हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहां हम किसी इंसान की पहनावे की बात करते हैं कि कोई इंसान इस पहनावे में है, जैसे वह साड़ी में है, या वह कोट पहना हुआ है, या वह सफेद कुर्ता पजामा में है, या वह ब्लू शर्ट में है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का सेंटेंसेस जहां आप किसी इंसान की पहनावे की बात करते हैं कि कोई इंसान इस पहनावे में है को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह पिंक साड़ी में है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी इज ड्रेस्ड इन पिंक साड़ी। यहाँ मैं इस सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले बोला सब्जेक्ट जो था सी, उसके बाद मैंने बोला इज। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप इज आरम के जगह वॉच वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बोला ड्रेस्ड इन। अगर आपको कहना हो वह सफेद शर्ट में था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज ड्रेस्ड इन व्हाइट शर्ट, यानी वह सफेद शर्ट के पहनावे में था, या वह सफेद शर्ट पहना हुआ था। अगर आपको कहना हो वह लाल गाउन में थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी वॉज ड्रेस्ड इन रेड गाउन, यानी वह लाल गाउन में थी, या वह लाल गाउन के पोशाक में थी या पहनावे में थी। अगर आपको कहना हो वह काले कोट में था, या वह काला कोट पहना हुआ था, या फिर आप ये कह सकते हैं वह काले कोट के पोशाक में था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक कोट, यानी वह काले कोट के पहनावे में था, या वह काला कोट पहना हुआ था, या वह काले कोट में था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि जब कभी भी आप किसी इंसान की पहनावे की बात करें कि कोई इंसान इस पहनावे में है, या इस लिबास में है, इस कपड़े में है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है तो आप इजारम का इस्तेमाल करें। अगर आपका सेंटेंस पास्ट का है तो आप वॉज वर्ब का इस्तेमाल करें। फिर आप कहेंगे ड्रेस्ड इन। उसके बाद आप आगे का वर्ड बोलिए जो आप कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपने यह टॉपिक शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।